हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज 313। जिस वक़ार में सिद्दीकी, और इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताने वाला हूं जेंट विजिलन पैनल में आने वाले जो ट्रबल्स हैं और इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, वो मैनुअल के थ्रू बता रहा हूं आपको। तो ये पार्ट टू है, इससे पहले भी बना चुके थे हम, तो वीडियो को लास्ट से देखें। उम्मीद है जो जेंट विजिलन पर काम करने वालों के लिए बड़ी अच्छी वीडियो रहेगी, ये यूज़फुल रहेगी, साबित होगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो, है ना। हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में ये जो जेंट विजिलॉन पैनल पे आने वाले जो फॉल्ट के मैसेज हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में वीडियो, ठीक है ना। तो फिर से बता दें आपको हम, है ना, कि जेंट विजिलॉन पैनल में जो फॉल्ट्स आते हैं, इसी मैसेज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन ये मैसेज है, क्या आएगा, जैसे कॉल पॉइंट ग्लास इज ब्रोकन नंबर एक्स लूप वाई मैसेज देख रहे हैं। ये किसी ये डिवाइस से यानी इसका ताल्लुक जो है एसोसिएटेड विद मीन्स डिवाइस, किससे इसका ताल्लुक है और डिवाइस है। इसका मीनिंग क्या है, तो कॉल पॉइंट हैज़ बीन ऑपरेटेड, किसी ने उसको ऑपरेट किया, किसी ने उसको एक्टिवेट किया है विद द डिवाइसेस डिसेबल्ड। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, पॉसिबल मीनिंग क्या है इसका, तो यहाँ देखिए रिप्लेस द ग्लास इफ नेसेसरी। ओके, तो हम फिर से बताते हैं आपको ये चीज़ें। कॉल पॉइंट ग्लास इज ब्रोकन नंबर एक्स लूप वाई, नंबर एक्स लूप वाई यानी डिवाइस नंबर एक्स मीन्स डिवाइस नंबर, लूप वाई है ना मीन्स की लूप नंबर। ओके, कॉल पॉइंट ऑन इंटरफेस यूनिट ऑपरेटेड रिस्टोर्टेड, रिस्टोर्ड हुआ है या ऑपरेट हुआ है। कॉल पॉइंट डिवाइस है, मेंस पावर्ड इंटरफेस, मेंस पावर इंटरफेस इनपुट हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय कन्वेंशनल एमसीपी वैल्यू ऑफ इनपुट इज इक्वल टू और लेस देन 6 वोल्ट। इंटरफेस भी जो लगाते हैं ना उसका भी बता सकता है। कॉल पॉइंट ओपन सीसीटी नंबर एक्स ऑन लूप वाई, ये डिवाइस से है, मोनिटर्ड base doesn't see end of line unit, there is a bad connection, there is a bad connection, to MCP, check the internal wiring, there may be loose connection to MCP के वाला से प्रॉब्लम है ये सब। नेक्स्ट प्रॉब्लम बता सकते हैं, कॉल पॉइंट ऑपरेटेड रिस्टोर डी नंबर एक्स लूप वाई, कॉल पॉइंट ब्रेक ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन और ऑपरेटेड विद ए टेस्ट की, रिप्लेस द ब्रेक ग्लास टू रिस्टोर, ये सब ब्रेक ग्लास के वाला ही आता है। कॉल पॉइंट शॉर्ट सीसीटी नंबर एक्स लूप पर, कॉल पॉइंट कॉन्टेक्ट्स आर शॉर्ट सर्किट, कॉल पॉइंट शॉर्ट सर्किट है। कार्ड फाउंड लॉस्ट अकाउंट एट कार्ड एक्स, कार्ड फाउंड एट कार्ड एक्स या कार्ड लॉस्ट ऑफ कार्ड एक्स, तो कोई भी कार्ड हो सकता है ना। द कार्ड हैज़ बीन found or lost, if lost then it is locked out, there may be a hardware fault or card of on card or backplane, investigate and rectify। कभी कभी आता है ना कि अब कुछ लूज वगैरह हो जाता है ना कनेक्शन हार्डवेयर में, तो इस तरह से ये फाउंड आता है, ये फॉल्ट आता है, कार्ड लॉस्ट या कार्ड फाउंड एट कार्ड एक्स। तो इसको आप हार्डवेयर जो बैकप्लेन है जिसपे सारे कार्ड लगे होते हैं उसको बोलते हैं बैकप्लेन, ये आप देख रहे हैं बैकप्लेन, ये देख रहे हैं बैक प्लेन, बैक प्लेन वही होता है जो जिसपे सारे मेमोरी लगे होते हैं ना, सारे कार्ड्स जो लगे होते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं बैक प्लेन। तो नेक्स्ट है कार्ड एंड रिकवर्ड और कार्ड एंड बैकडअप। तो रिकवर्ड जब होता है मेमोरी एनवीएम, ये एनवीएम का है, डेटा रिकवर्ड टू ए कार्ड फ्रॉम द एनवीएम, कार्ड हैज़ बीन बैकडअप टू द एनवीएम, ये एनवीएम पे जब हम बैकअप करते हैं तो वह मैसेज आता है। चैम्बर रिमूव्ड रिप्लेस नंबर एक्स ऑन लूप वाई, ये भी डिवाइस का है, डिवाइस चैम्बर हैज़ बीन रिमूव्ड, रिप्लेसिंग द चैम्बर विल कॉज ए रिप्लेस्ड इंडिकेशन, ये चैम्बर है, डिवाइस का चैम्बर है ना। चार्जर फॉल्ट, पावर सप्लाई फॉल्ट है, चार्जर सर्किट हैज़ फेल्ड, रिप्लेस द पीएसयू, चार्जर फॉल्ट नंबर एक्स ऑन लूप वाई, ये भी चार्जर का फॉल्ट आता है। चार्जर फॉल्ट कहाँ आएगा, PN54 सिस्टम डिवाइस पावर सप्लाई रिपीट टेर मिमिक और मेंस पावर्स इंटरफेस हो सकता है। चार्जर सर्किट हैज़ फेल्ड, रिप्लेस द बोर्ड हैविंग द पावर सप्लाई ऑन द लूप डिवाइस। आप चेक करेंगे, अगर रिप्लेस होगा तो रिप्लेस करना होगा। चार्जर रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड मीन्स वर्किंग अगेन हो रहा है ना। चार्जर रिस्टोर्ड नंबर एक्स, जब भी चार्जर कुछ प्रॉब्लम आया था दोबारा से रिस्टोर आता है। CHK 4.874 NVMC 41874 फ्लैग 0 NVM इज राइट प्रोटेक्टेड एट कार्ड X। ये मेमोरी NVM का है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मेमोरी इज रीड ओनली, डिसेबल द राइट प्रोटेक्ट यूजिंग द सेटअप मेनू। तो ये राइट प्रोटेक्टिव होता है, तो इस वक्त जैसे आप बैकअप करने आते हैं ना तो मेमोरी राइट प्रोटेक्टेड होता है, तो इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि आप उसमें कुछ ऐड कर सकें। नेक्स्ट मैसेज आ सकता है आपको, क्लॉक चेंज क्लॉक नोट सेटअप। मेरे कंट्रोल बोर्ड में जो क्लॉक डेट एंड टाइम जो है उसको सेट कर लिया। CO सेंसर फॉल्टी डिवाइस, इज देयर इज अ फॉल्ट विद द CO सेंसर ऑन ए स्क्वायर, रिप्लेस डिवाइस। देखिए CO सेंसर फॉल्टी मीन्स कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेंसर होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, उसमें तो इसमें तो एक कोई सब्सटेंस होता है जो ख़त्म हो जाता है, तो उसको चेंज ही करना पड़ेगा, रिप्लेस। ये एंटीबायोटिक का मसला नहीं होता CO में, है ना। CO में क्या होता है कि रिप्लेस ही करना पड़ेगा आपको। CO सेंसर नियर एंड ऑफ लाइफ, उसका डिवाइस, उसमें जो कुछ पदार्थ पड़ा हुआ है उसके अंदर जो कुछ रहता है सब्सटेंस, कुछ मटेरियल रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो डिटेक्ट करता है, तो वो ख़त्म होने वाला रहता है तो वो बताता है, ये मैसेज आता है, ठीक है ना। CO सेंसर रिस्टोर्ड, आपने लगाया डिवाइस, फॉल्ट है रिस्टोर्ड हो गया। कमांड बिल्ड एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड, कमांड बिल्ड इनेबल, कॉमन्स कम्युनिकेशन इनेबल डिसेबल्ड MCB पे, कार्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन इनेबल, कंट्रोल पैनल हैज़ बीन एसोलेटेड फ्रॉम द नेटवर्क, इफ नेसेसरी मैनुअली इनेबल डिसेबल द कम्युनिकेशंस यूजिंग द कंट्रोल मेनू, है ना। कॉम्स इनेबल, कॉम्स डिसेबल होता है। कॉम्स सप्लाई फॉल्ट, नेटवर्क नोड द कम्युनिकेशन पावर सप्लाई हैज फेल्ड, रिप्लेस द पावर सप्लाई यूनिट। कॉम्स सप्लाई रिस्टोर्ड, कम्युनिकेशन रिस्टार्टेड, कंट्रोल पास्ट एट एक्स, करप्टेड NVM मेमोरी एट कार्ड X। ये प्रॉब्लम आता है आपको, मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो बर्डन होते हैं ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको स्किप करेंगे हमें। करप्टेड NVM मेमोरी एट कार्ड X, ये देख रहे हैं ना आप, करप्टेड NVM मेमोरी एट कार्ड X। ये अभी कभी भी कोई आता है ना, जैसे कि कार्ड 50, कार्ड 14 ऐसे करके आएगा, तो हर कार्ड का एनी कार्ड चेक सम फेलर ऑन कॉन्फ़िगरेशन एट मिडनाइट, रिकवर डेटा एंड रिकॉर्ड इन लॉग बुक, इफ इट ऑकर्स जेकर्स देन रिप्लेस द कार्ड। ये कभी कभी आता है, फिर आप उसे मारेंगे चला जाएगा। खाना गर्म करें, शुक्रिया। 5 मिनट से खाने इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शुक्रिया। ये वीडियो बना रहा हूँ ना, यूट्यूब पर डालेंगे, हाँ बस। तो ये करप्टेड NVM मेमोरी कार्ड करके आता है ना, तो वो किसी कार्ड के बारे में होता है, तो आप चेक करना पड़ेगा कौन सा कार्ड है। DC पावर फेल रिस्टोर्ड, ये भी हो गया। DC 2 हाई, DC 2 लो, इससे पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है ना। DC 2 हाई, DC 2 लो, DC एक्चुअली 24 वोल्ट होना चाहिए, तो वो आगे पीछे हो गया, है ना। डिले ब्लॉक सेटअप, ये डिले ब्लॉक होता है प्रोग्रामिंग में, वो सेटअप करते हैं, तो वो इस तरह से मैसेज आ सकता है, डिले ब्लॉक सेटअप, है ना। MCP कंट्रोल बोर्ड होता है, ए डिले ब्लॉक हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड, तो ये कोई मसला नहीं है। डिले ब्लॉक क्लियर, अगर हटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिटेक्शन जोन डिसेबल इनेबल एट कार्ड X, लूप प्रोसेसर द डिटेक्शन जोन हैज़ बीन इनेबल और डिसेबल ऑटोमेटिकली और मैनुअली, इफ नेसेसरी मैनुअली इनेबल डिसेबल द डिटेक्शन जोन यूजिंग द कंट्रोल मेनू। तो ये डिटेक्टर ऑन इंटरफेस यूनिट नंबर X ऑन लूप वाइज चैनल Z, कुछ हुआ डिवाइस में है। मेन्स पावर इंटरफेस इनपुट हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाई कम्बिनेशन डिटेक्टर, वैल्यू ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू और लेस देन 10 वोल्ट, तो एक्टिवेट हुआ है। डिवाइस एड्रेस चेंज फ्रॉम X नंबर Y ऑन लूप Z, लूप कार्ड का प्रॉब्लम है। डिवाइस सेफ एड्रेस हैज़ बीन चेंज, है ना। इफ नेसेसरी यू रेक्टिफाई द डिवाइस सेफ एड्रेस, को सेफ एड्रेस के वीडियो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इस सेफ एड्रेस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। डिवाइस बैटरी फॉल्ट रिस्टोर्ड। डिवाइस में कभी कभी बैटरी लगा होता है ना किसी डिवाइस में, जैसे कि कुछ बैटरी से चलने वाले स्मूथ रेडर, उसके बारे में डिवाइस बैटरी डिवाइस इनेबल डिजेबल एट कार्ड एक्स, जो प्रोसेस कार्ड है डिवाइस हैज़ बीन इनेबल्ड और डिजेबल मैनुअली और ऑटोमेटिकली, इफ़ नेसेसरी मैनुअली इनेबल और डिजेबल द डिवाइस। अगर आपने डिजेबल किया है तो इनेबल करेंगे, इनेबल किया तो डिजेबल, यानी इनेबल तो जानते हैं डिजेबल किसी डिवाइस कर सकते हैं, तो उसका मैसेज भी आता है। डिवाइस फॉल्ट, डिवाइस फॉल्ट कब आता है? ऑडियो कंट्रोल नोट में, फॉल्ट इनपुट हैज़ बीन एसेटेड, चेक रिमोट इक्विपमेंट वायर्ड टू द फॉल्ट इनपुट। डिवाइस फॉल्ट, डिवाइस गेन सेट टू एक्शन, डिवाइस मेन्स टू हाई, मेमिक रिपीटर पैनल का अगर ज़्यादा हुआ था ना पावर, फेलर ऑफ डिवाइस मेन सप्लाई, द वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड डीसी इज टू हाई और लो दैट इज इन द रीजन ऑफ 30 वोल्ट 17 वोल्ट, रिप्लेस चेक द पावर सप्लाई एंड रेक्टिफाई रिप्लेस इफ इट इज। तो ये जब भी आएगा डिवाइस मेन्स टू हाई, ये रिपीटर पैनल का जो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आया ना, डिवाइस पावर फॉल्ट रिस्टोर्ड नंबर एक्स एंड लो वाई, ये डिवाइस में है, द फेलर ऑफ इंटरनल पावर सप्लाई रेल, रिप्लेस द डिवाइस, डिवाइस पावर फॉल्ट रिस्टोर्ड। उसके बाद डिवाइस पावर टू हाई रिस्टोर्ड टू लो, जो भी किसी डिवाइस के थ्रू आता है, इंटरनल पावर रेल ऑफ मेन्स पावर इंटरफेस यूनिट हैज़ वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड डीसी इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो रिप्लेस द डिवाइस है ना, डिवाइस रिप्लेस्ड इज फॉल्टी। जब आप किसी डिवाइस को रिप्लेस करते हैं तो वो आता है लूप का, यानी टी एक्स फॉल्ट रीफाइंडिंग डिवाइस, चेक कनेक्शन टू डिवाइस बेस एंड आल्सो डिवाइस टाइप। हो सकता है आपने कनेक्शन सही से नहीं लगाया हो, या फिर आपने कोई दूसरा डिवाइस लगा दिया जो कंपेटेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, डिवाइस रिप्लेस्ड इज फॉल्टी, है ना। तो आप कनेक्शन चेक करेंगे डिवाइस, क्योंकि ये सब आ सकता है प्रॉब्लम, ये डिवाइस ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। डिवाइस रिप्लेस्ड इज फॉल्टी, ओके। डिवाइस रिप्लेस्ड नंबर एक्स, जब आप किसी डिवाइस को रिप्लेस करते हैं तो आता है ना, द रिप्लेस्ड डिवाइस इज नॉट कम्युनिकेटिंग, कोई बात नहीं है, ये सब चले जाएंगे ना। इसको आप क्लियर, इस मैसेज को आप क्लियर कर सकते हैं आगे, क्लियर करने का मैसेज आता है ना, क्लियर मैसेज जो क्लियर करते हैं कुछ दिन, जो फॉल्ट्स को आप क्लियर कैसे कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। डिवाइस सॉफ्ट एड्रेस सेफ नंबर, ये सब डिवाइस का सॉफ्ट एड्रेस है। डिवाइस मेन्स फेल्ड, तो ये क्या है? फेलर ऑफ मेन्स सप्लाई टू मिमिक रिपीट पैनल, है ना, उसका फेल। डिवाइस मेन्स फेल्ड क्या है? रिपीट पैनल। डिजेबल क्लियर, ये तो कोई बात नहीं है, डिजेबल आप क्लियर करें। डुप्लीकेट सेफ एड्रेस एरर। अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट आया या अर्थ फॉल्ट गया, तो अर्थ फॉल्ट जो है द एडीसी वैल्यू टू द अर्थ ऑफ द 8 वोल्ट रेगुलेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 वोल्ट 5 फॉर पॉजिटिव वोल्ट फॉल्ट और लेस देन 3 वोल्ट फॉर नेगेटिव। क्लियर इंडिकेशन इज नॉर्मली गिवन व्हेन एडीसी इज इक्वल टू 64। तो ये अर्थ फॉल्ट जानते कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसका वीडियो भी मेरे पास है अर्थ फॉल्ट का, आप चेक कर लेंगे कैसे करते हैं अर्थ फॉल्ट, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ना, चूँकि इसका और भी बनाना पड़ेगा, 12 मिनट का हो गया और खाने का टाइम भी हो गया, ठीक है।